बारिश के कारण प्रभावित हुई सोयाबीन फसल का निरीक्षण करने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बसंत मालपानी व युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष कमल आर्य ने किसानों के साथ आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। श्री मालपानी ने ग्राम प्रमाणखेड़ी भगतपुरी अजीमाबाद पारदी भाटीसुड़ा भीलसुड़ा में फसलों का निरीक्षण किया। फसल बर्बाद होने से किसानों को आर्थिक क्षति पहुँची है। कमेटी सदस्यों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को साल 2018 का फसल मुआवजा तक नहीं मिला है। तत्काल मुआवजा राशि किसानों को दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जन 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। हम ग्राम भीलसुड़ा पहुँचे हैं। इसके पूर्व परमारखेड़ी भाटीसुड़ा और पारदी गाँव भी होके आए हैं। हमने देखा कि परमारखेड़ी भाटीसुड़ा पारदी और भीलसुड़ा में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल में एक अलग टाइप का रोग इन फसलों में लग गया है, जिसके कारण जो ये फली है वो बढ़ नहीं पा रही है। तो हमारा ऐसा कहना है कि हम बुधवार के दिन दोपहर को 1 बजे तहसील कार्यालय में SDM साहब को अवगत कराएंगे कि जिन भी किसानों की फसलें खराब हुई है वहाँ पे जाकर मौका मुआयना पटवारी जी के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से करवाया जाए और जिनकी भी फसलें खराब हुई है उन्हें 100% मुआवजा किसानों को दिया जाए। और दूसरा कहना है कि जो शिवराज सिंह जी की सरकार फसल बीमा देने की बात कर रही है, मेरा कहना है कि किसान कोरोना के दौर में काफ़ी परेशान है, उन्हें शीघ्र फसल बीमा का भी पैसा मिलना चाहिए। साथ ही किसानों से भी आह्वान करता हूँ कि हमारे द्वारा 2 तारीख बुधवार को दोपहर 1 बजे तहसील कार्यालय नागदा पर SDM साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा और सोयाबीन की जो फसलें खराब हुई है उसके पौधे भी भेंट किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपनी बात अधिकारियों के सामने रखें। धन्यवाद।